हेलो फ्रेंड्स, ये स्टॉप पैटर्न का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपको ये फ्रंट और बैक पार्ट को और स्लीव्स के पार्ट को कैसे आपको डिवाइड करना होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस टॉप के जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 14th राउंड तक कंप्लीट करना होगा और 12th, 13th एंड 14th ये तीनों राउंड्स के लिए आपको 4.5 mm क्रोशिया हुक को यूज़ करना होगा। अब अगेन 15th राउंड से हम स्टार्ट करेंगे। 15th राउंड के लिए हम फ्रेंड्स फिर से 4 mm क्रोशिया हुक का ही यूज़ करेंगे। चेन वन लेंगे, चेन फोर, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद हमें जो वन चेन का स्पेस था इसमें वर्क करना होगा। थ्री डबल क्रोचेट, चेन वन एंड थ्री डबल क्रोचेट। ये सेम रो यही है फ्रेंड्स जो कि हम यहाँ पे बना रहे थे। यहाँ पे फिर 4 चेन लेकर के हमें इसमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करना होगा। फिर यहाँ पे 4 चेन लेकर के 3 डबल क्रोशिया, चेन वन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट होगा फ्रेंड्स और ऐसे हमें 7 टाइम इसको रिपीट करना होगा। जैसे ये 1 टाइम है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहां तक कंप्लीट करने के बाद से फिर मैं आगे आपको बताती हूं कि आगे इसको कैसे डिवाइड किया जाएगा। ये मैंने 7 रिपीट्स कर लिए हैं, 7 पैटर्न्स। अब इसके बाद से आपको 18 चेन बनानी होगी, 18 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये 18 चेन बनाई है। अब इसके बाद से आपको स्लीव्स के पार्ट के लिए यहाँ से 4 रिपीट्स को स्किप करना होगा, 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो आपका मिड का पार्ट है यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया करना होगा। ये देखिए, ये ऐसे स्लीव्स का पार्ट छोड़ दिया जाएगा, ये स्लीव्स का पार्ट होगा इतना। सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर दिया जाएगा। ये अगेन यहाँ से सेम पैटर्न फिर स्टार्ट किया जाएगा, चेन 4, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशिया। चेन 4, 1 सिंगल क्रोशिया। अब यही पैटर्न फिर रिपीट होगा आगे और 7 टाइम आपको इसे रिपीट करना है। ये मैंने 7 राउंड इसके 7 पैटर्न इसके मैंने रिपीट कर लिए हैं। इसके बाद से अगेन यहाँ पे 18 चेन ली जाएंगी स्लीव्स के पार्ट के लिए। एटीन चेन लेने के बाद से
18 चेन के पास से इसको स्लिप स्टिच से इसमें ऐड कर दिया गया। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच की गई है, जैसा अब आप देख सकते हैं अब ये फ्रंट एंड बैक का पार्ट और स्लीव्स का पार्ट है डिवाइड हो चुका है। ये देखिए ये स्लीव्स का पार्ट है, वन साइड स्लीव्स, ये पूरा पैटर्न फ्रंट एंड बैक का है और ये आपका है सेकंड साइड स्लीव्स। अब हम इसकी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, 16th राउंड। चेन थ्री, थ्री डबल क्रोचेट, वन टू एंड थ्री, टू डबल क्रोचेट, वन टू, वन चेन, टू डबल क्रोचेट अगेन, अगेन थ्री डबल क्रोचेट। अगेन चेन थ्री, स्लिप स्टिच, चेन थ्री, ऐसे ही सेम वर्क रिपीट हो गई है। ऐसे ही ये पैटर्न रिपीट होगा, इसे रिपीट करते हुए यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद से फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया है, सेवेंथ पैटर्न तक। अब हमें इस पे वर्क करना होगा जो हमने 18 चेन ली थी। 18 चेन में वर्क करने के लिए आपको पहले 3 चेन लेनी होगी, यहाँ पे 4 चेन स्किप करनी होगी। शायद फ्रेंड्स ये रेड कलर होने की वजह से आपको क्लियरली शो नहीं हो पा रहा है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ साथ में, आपको 4 चेन स्किप करनी होगी, 1, 2, 3 एंड 4, और फिफ्थ चेन में, 5 चेन में आपको डबल क्रोशिया बनाना होगा। ऐसे ही हर एक उस चेन पे आपको डबल क्रोशिया करना होगा, 5 डबल क्रोशिया टोटल बनाने हैं। इसके बाद सिर्फ 1 चेन लेनी होगी और नेक्स्ट फिर 5 डबल क्रोशिया। अगेन चेन थ्री, यहाँ पे लास्ट में 4 स्टिचेस आपको 4 चेन्स स्किप करनी होगी, 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे जो आपने ये इसको ऐड किया था सिंगल क्रोशिया से, इसको अटैच किया गया था, यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच कर देनी है। अगेन चेन थ्री, सॉरी, सेम पैटर्न रिपीट होगा जो पैटर्न फ्रंट एक पार्ट पे भी मैंने आपको बना के बताया, ये 3 चेन्स, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब यही पैटर्न सेम दूसरी साइड भी रिपीट किया जाएगा 7 टाइम्स। इसे रिपीट करने के बाद से जो नेक्स्ट आपकी ये आएगी 18 चेन का ये चेन्स, इस पर भी सेम यही पैटर्न रिपीट किया जाएगा जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था।
यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको अगेन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि 18 चेन पे कैसे वर्क किया जाएगा। देखिए मैंने अपना यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अगेन हम अपने इसी 18 चेन वाले पार्ट पे आ गए हैं। इस पार्ट के लिए पहले हम 3 चेन लेंगे एंड 4 चेन्स नीचे से स्किप की जाएंगी, 1, 2, 3 एंड 4। और जो 5th चेन में फिर हम वर्क करेंगे, 5 डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाया जाएगा। 5 चेन डबल क्रोशिया के बाद से 1 चेन अगेन 5 डबल क्रोशिया। फाइव डबल क्रोशिया, 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया, अगेन यहाँ से 4 चेन नीचे स्किप कर दी जाएगी और ये 3 चेन बना ली जाएगी और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ऐड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट रो फ्रेंड्स, जो हमारी 8th रो थी, 8th राउंड हमारा, वही राउंड अब यहाँ पे रिपीट होगा। यहाँ पे हमें 4 स्लिप स्टिच करनी होगी, 3 ये चेन्स पे और एक ये डबल क्रोशिया पे, 4th अब आपको स्लिप स्टिच करनी है। 4 स्लिप स्टिच कर ली, चेन 3 एंड डबल क्रोशिया 4। वन सिंगल क्रोशिया, वन चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशिया। जो हमारी 8th राउंड हमने बनाई थी वही पैटर्न ही, सेम पैटर्न वो रिपीट किया जाएगा। इतना रिपीट करके स्लीव्स के पार्ट तक आकर के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे स्लीव्स के पार्ट पे इसे वर्क को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। मैंने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पैटर्न, जैसे हम ये पैटर्न बना रहे थे, सेम यही पैटर्न हमारा स्लीव्स के पार्ट पे भी एक पैटर्न बनेगा, एक इस स्लीव्स पे, एक नेक्स्ट स्लीव्स पे। ये हमने जो 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इस सब पे एक एक डबल क्रोशिया बनाया जाएगा। ये 5 डबल क्रोशिया बन गया और ये जो 1 चेन का स्पेस था, इस अब हम इस स्पेस पे वर्क करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशिया। अगेन 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन, सॉरी 5 डबल क्रोशिया के बाद से अगेन इस पे वर्क करना होगा। अगेन सेम पैटर्न रिपीट किया जाएगा इस पे भी। आगे का पैटर्न इसी तरीके से पूरा पैटर्न रिपीट होगा। इस पूरी राउंड पे जैसे हमने भी आगे वर्क किया था, सेम ऐसे वर्क होगा और स्लीव्स के पार्ट पे भी ऐसे ही होगा। 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन के स्पेस पे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशिया, अगेन 5 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से पूरा पैटर्न ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये रो कंप्लीट होगी ऐसे ही। ये देखिए ये ऐसे करके इतना कंप्लीट हो गया है। अब आगे ये सेम पैटर्न ही रिपीट किया जाएगा। जैसे आपको इसमें शो हो रहा होगा कि इसमें
फ्लावर पैटर्न्स बन रहे हैं। ये टोटल 1, 2, 3 एंड 4 फ्लावर पैटर्न सभी बने हुए हैं। हमारे स्लीव्स तक के पार्ट में 3 फ्लावर पैटर्न्स आ रहे हैं। अगेन इसी सेम पैटर्न को ही, फ्लावर पैटर्न्स को ही हम रिपीट करते जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम जितनी अपनी लेंथ रखना चाहते हैं उतनी हम लेंथ रख सकते हैं। मैं इसमें टोटल यहाँ से नेक पार्ट से लेकर के बॉटम तक में 13 फ्लावर पैटर्न को रिपीट करूँगी। टोटल मैं 13 फ्लावर पैटर्न रिपीट कर रही हूँ फ्रॉम द नेक टू बॉटम। और अगर आप यहाँ से देखें स्लीव्स के पार्ट से, जहाँ से स्लीव्स को सेपरेट किया गया है, यहाँ से हमारे फ्लावर पैटर्न्स 10 पैटर्न रिपीट होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इस पैटर्न्स को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद से फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे इसका लास्ट कैसे किया जाएगा। देखिए मैंने अपना ये कंप्लीट कर लिया है। टोटल 13 रो हमने बनाई है, आप इसे काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 टोटल 13 रो हमारी बनी है। अगर आप लेंथ को और इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 to 2 रोज और भी बढ़ा सकते हैं फ्लावर पैटर्न्स की। ये फ्लावर पैटर्न्स हैं। इसमें आपको बनाते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जब आप अपनी वेस्ट लाइन तक पहुंच जाते हैं उसके बाद से नीचे के पार्ट को बनाने के लिए आपको वन साइड बिगर क्रोशिया हुक का यूज़ करना होगा। जैसे हमने इस पूरे पार्ट को बनाने के लिए 4 mm क्रोशिया हुक का यूज़ किया था, बट नीचे वेस्ट लाइन के बाद से बनाने के लिए हम 4.5 mm क्रोशिया हुक का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वेस्ट लाइन के बाद से इस पार्ट को थोड़ा सा ब्रॉड किया जा सके। अब इसके बाद से हम नीचे इसका एच बनाएंगे। एच पे आपको नॉर्मल सिंगल क्रोशिया करना होगा, मीन्स हर एक स्टिच पर आपको 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके लिए हम 4 mm क्रोशिया हुक का ही यूज कर रहे हैं। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले एक चेन लेंगे सॉरी, फिर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, हर एक स्टिच पे आपको सिंगल क्रोशिया बनाना होगा। वन चेन स्पेस, इस पे भी आपको सिंगल क्रोशिया बनाना होगा। अगेन सिंगल क्रोशिया, कोई भी स्टिच इसमें स्किप नहीं होनी चाहिए, हर एक स्टिच पे सिंगल क्रोशिया रहेगा। ये मिड पार्ट है, सिंगल क्रोशिया। एक चीज मैं और आपको बता दूं इसमें कि अगर आप यहां पे जो मिड पार्ट पड़ता है जहां पे अटैच किया जाता है, ये थोड़ी सी इधर से इधर इसमें जंप करने में थोड़ी सी स्टिच ओपन सी आ जाती है, तो आप चाहे तो इसको पूरा कवर करके भी इसे कर सकते हैं ताकि ये आपकी ओपन स्टिच शो नहीं होगी, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा। चेन स्पेस, इस पे भी सिंगल क्रोशिया रहेगा। आपको पूरे पे ओनली सिंगल क्रोशिया का एज कर देना है, मींस हर एक स्टिच पर आपके 1 सिंगल क्रोशिया रहेगा। ये अगेन मिड पार्ट है। मिड पार्ट में अगर आप नॉर्मली जैसे हम लोग चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो इसके अंदर एंटर करके बनाते हैं, बट देखिए इसके बाद से ये थोड़ा सा ओपन सा लग रहा है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस पूरे को कवर करके भी इसे बना सकते हैं। ये इसी तरीके से हम अपनी पूरी ये रो कंप्लीट कर लेंगे, पूरा बॉटम एज हम अपना ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इसको कंप्लीट करके फिर आगे मैं बताती हूँ।
मैंने अपनी ये सिंगल क्रोशेट की रो कंप्लीट कर ली है, और जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच से इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है पूरा। यहाँ से थ्रेड को कट कर दिया जाएगा। इसके अंदर करके पुल करेंगे इसे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैक साइड से इसको अंदर सिक्योर कर दिया जाएगा। कभी भी कोई भी क्रोशिया के डिज़ाइंस बनाए जाए फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके एज वगैरह कभी बहुत ही फिनिशिंग के साथ होने चाहिए, और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स होते हैं इसको कभी भी ऐसे ओपनली नहीं छोड़ना चाहिए। इसे अंदर एक नॉट कर देनी चाहिए या ऐसे करके आप इसे सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ओपन रहते हैं ये आपके ड्रेस आप कितनी भी खूबसूरत बनाएंगे उसकी फिनिशिंग को ये ख़राब कर देते हैं, इसलिए इसे प्रॉपरली सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए एज को सिक्योर करते समय कि जब आप इस पार्ट्स के अंदर से इसको लेके जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि ऊपर की साइड ये ज़्यादा शो नहीं होना चाहिए, वरना वो ड्रेस का पूरा लुक ख़राब कर देगा। आप कहीं भी कैसे भी करके इसे कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको मैंने ऐसे सिक्योर कर लिया है, आप चाहें तो कहीं पे एक नॉट भी दे सकते हैं सिक्योर करने के लिए, बट अगर प्रॉपरली वहाँ पे नॉट दी गई होगी स्टार्टिंग पे तो उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फिर करने की। यहाँ से आप थ्रेड को कट कर लें एक्स्ट्रा थ्रेड। ये कंप्लीट हो गया है बॉटम साइड इसका। अब आते हैं इसके नेक पार्ट पे एंड स्लीव्स के पार्ट पे। ये देखिए इसकी नेक और स्लीव्स ऐसे शो हो रही है। इसके नेक के पार्ट पे भी हम हर एक स्टिच पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। आप इसमें स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। एक स्लिप नॉट बनाया इसमें मैंने, इसको अंदर पुल कर लेंगे, इसको थोड़ा टाइट कर लिया जाएगा। पहले एक वन चेन करेंगे, सिर्फ ऐसे हर एक चेन पे आपको एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कीजिए फ्रेंड्स कि जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो ये जो आपका एक्स्ट्रा थ्रेड निकला हुआ होता है इसे आपको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसको इसके साथ साथ में ही आप लेते चलें ताकि ये इसमें कवर हो जाएगा और आपको बाद में इसे कहीं भी सिक्योर करने की नीड नहीं होगी। ये देखिए इसे फिनिशिंग भी अच्छी आती है ऐसे। लास्ट में हल्का फुल्का जैसे ये रह जाता है तो इसे कट कर दिया जाता है, जिससे आपको शो हो रहा होगा कि हर एक स्टिच पे आपको ध्यान से सिंगल क्रोशिया करना होगा। और सिंगल क्रोशिया थोड़ा टाइट हैंड से ही करें तो ठीक है, मतलब बहुत टाइट हैंड भी आपको नहीं करना है, बट हाँ लूज नहीं करना है क्योंकि ये एज कर रहा है इसका, ये इसकी एक प्रकार से बॉर्डर लाइन बन रही है। अगर आप इसको लूज हैंड कर देंगे तो वो पूरी आपकी ड्रेस का लुक खराब कर देगा। ऐसे ही आपको इसको पूरे में सिंगल क्रोशिया का एज बनाते जाना है। इस तरीके से आएगा, ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें स्लिप स्टिच से हम इसको ऐड कर देंगे। कैसे थ्रेड को यहां से कट कर दिया जाएगा। प्रॉपरली इसको सिक्योर कर लिया जाए।
ये देखिए इसका नेक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके स्लीव्स पार्ट है, इस पर वैसे ही सिंगल क्रोशिया पूरे पे किया जाएगा। लूप बना लिया, इसे आप कहीं भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आप कोई भी बना सकते हैं अपना। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, इसे पहले इस पर अटैच कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लिया जाएगा। वन चेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो थ्रेड एक्स्ट्रा रहता है, इस एक्स्ट्रा थ्रेड को हमेशा साथ लेके ही चलना चाहिए। इस पर भी सेम पैटर्न रहेगा, पूरे पे आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। वन चेन स्पेस पर भी सिंगल क्रोशिया ही रहेगा। पूरे पैसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करके अब यहाँ तक आइए। इसके बाद से फिर मैं इस पार्ट के लिए एक बार ये बता देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया है। आगे आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ भी आपको सिंगल क्रोशिया नज़र आ रहा हो उस पूरे पे सिंगल क्रोशिया आप करते चलें। जैसे ये हमारा फोर चेन का स्पेस था, इस पर भी ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे, फोर सिंगल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया जो हमारे फाइव बने थे, इस पर फाइव सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। अगेन ये हमारा वन चेन स्पेस था, इस पर भी सिंगल क्रोशिया रहेगा। ऐसे पूरे पे आपको सिंगल क्रोशिया करते जाना है, पूरा राउंड करके। जो वन चेन ली थी स्टार्टिंग में, उस पर स्लिप स्टिच से ऐड कर दिया है। थ्रेड को कट करके इसको सिक्योर कर लेंगे। इसी तरीके से स्लीव्स का सेकंड पार्ट भी आप कंप्लीट कर लें। देखिए हमारा टॉप ये कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसे मेजर करके बता देती हूँ। इससे हमने ये फ्लावर पैटर्न की 13th रोज बनाई थी, तो टोटल हमारा ये है 21.5 इंच। इसकी लेंथ टोटल हमारी 21.5 इंच है। आप चाहें तो अगर इसकी रोज इसकी लेंथ को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप फ्लावर पैटर्न की रोज को और इंक्रीज कर सकते हैं, बट 13th रोज पे फ्लावर पैटर्न की 21.5 इंच इसकी लेंथ है। ये टॉप देखने में जितना प्यारा लग रहा है, उससे भी ज्यादा प्यारा ये पहनने पे लगता है। इसके फ्लावर पैटर्न्स जब पहनने के बाद से थोड़े ओपन होते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये टॉप का पैटर्न पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, सबके साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और नीचे इसमें बेल आइकन दिया होगा फ्रेंड्स, उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएं।
और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सब्सक्राइब्स, आपके लाइक्स की हमें बहुत नीड रहती है। और फ्रेंड्स, अगर इस टॉप को लेकर के आपको कहीं भी इसके पैटर्न में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी आपको दिक्कत अगर आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपने हर एक प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। और ये टॉप आपको कैसा लगा, या आप अगर इस टॉप को बना रहे हैं तो उसके तैयार होने के बाद से उसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये टॉप आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।